क्या आप जानते हैं कि गाय को गौ माता क्यों कहा जाता है? क्योंकि गौ माता जिस जगह खड़ी रहकर आनंद पूर्वक चैन से सांस लेती है, वहां पे वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि गौ माता जहां पर खड़ी हो और वो चैन की सांस ले, वहां के वास्तु दोष समाप्त होने के साथ साथ वहां की भूमि बहुत ही पावन और पवित्र हो जाती है। जिस जगह गौ माता खुशी से रमहाने लगती है, उस जगह देवी और देवता पुष्प वर्षा करते हैं। गौ माता के गले में घंटी जरूर बांधनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कहीं ना कहीं आपका बुध ग्रह बहुत ही मजबूत होता है। गौ माता के गले में जब भी आप घंटी बांधते हैं तो वो गौ माता की आरती करने के बराबर माना जाता है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है, पूजा करता है, उसके दो ग्रह अच्छे होते हैं। सबसे पहला बुध ग्रह और दूसरा शुक्र ग्रह। इसके अलावा कहीं ना कहीं गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आज की तारीख में, क्योंकि अब हम लोग गाय के गोबर से लीप नहीं सकते हैं, लेकिन गांव में आज भी कहीं ना कहीं ये प्रथा है कि जब भी घर में कुछ पावन काम होता है या कुछ शुभ अवसर होता है तो गौ माता के गोबर से घर को लीपा जाता है। गौ माता की एक आँख में सूर्य और दूसरी आँख में चंद्र देवता का वास होता है, तो जब भी आप गौ माता के सामने जाते हैं तो उनकी आँखों में आँखें डालकर आपकी जो भी विश है उसको ज़रूर बोला करिए। गौ माता के दूध में स्वर्ण का तत्व पाया जाता है, जिससे रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, रोग कम होते हैं। यही वजह है कि छोटे बच्चों को गाय का दूध डाइजेस्ट करने में बहुत ही आसानी होती है। यही वजह है कि हम आज भी गाय को अपनी माता का स्वरूप मानते हैं।